सर, आप एज रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मेले में शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स की स्टॉल लगाए हुए हैं ताकि ऑन स्पॉट जो है लोन सेंक्शन किया जाए अनएम्प्लॉयड यूथ को, ITI पास आउट्स को। खासकर डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से बैंक के जो कर्मचारी है उनको किस तरह के डायरेक्शन से इन 5 दिनों में किस तरह से लोगों तक और खासकर अनएम्प्लॉयड तक लोन पहुँचाया जाए, बहुत ही प्रोसेस के मैनेजमेंट को कम करते हुए। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हजरात का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर के बिहाफ पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेला के रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डीसी साहब कुछ मीटिंग के सिलसिले में ले गए हुए हैं इसलिए यहाँ अटेंड नहीं कर पाए, वरना उनको ही अटेंड करना था। तो डीसी साहब का क्लियर कट डायरेक्शन हमने इन राइटिंग भी दिया हुआ है और आज इन वर्बल मैंने भी कम्युनिकेट किया है कि तमाम बैंक को ये डायरेक्शन है कि वन स्टॉप फैसिलिटेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेला है, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी बैंक के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो खुद यहाँ खुद कम उनको पूरा करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड चाहे लीज डीड बनाना होगा चाहे कोई NOC होगा उस कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शंस दे के रखा हुआ है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो लीज डीड बनता हो या किसी डिपार्टमेंट का पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होगा या कोई भी होगा वो उनका स्टॉल यहाँ पे लगेगा। इस 5 दिन के मेले में 2 दिन जो है रेस्पेक्टिव बैंक्स जो है ITI के स्टूडेंट्स को और नॉन ITI स्टूडेंट्स जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं वो अवेयरनेस देंगे और 3 दिन में लोन सेंक्शन का फॉर्मेलिटी सब पूरा करेंगे। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे होगा एक स्टॉप पे एक रूफ के अंडर ही होगा, जहाँ कहीं भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का किसी भी पॉइंट पे ज़रूरत होगा हम एक स्टेप आगे ही हैं। तो इंशाल्लाह ये एम्प्लॉयमेंट मेला हमारे यहाँ के यूथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो यही मैसेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पर्टिकुलरली DC साहब का ये मैसेज है यूथ को कि जो इंटरेस्टेड हैं और जो सिंसियरली कुछ करना चाहते हैं अपने फील्ड में जिसमें उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है, तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है और हर एक स्टेज पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। सर, कुछ स्टॉल से कमी नज़र आ रहा है जिसमें खासकर रेवेन्यू की बात करें या SCR साहब से जो बनता है और उसके साथ साथ कोर्ट से कुछ एफिडेविट्स में बनता है, तो जितने भी स्टॉल्स ज़रूरत है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए। बिल्कुल होगा सर, जो रेवेन्यू के जो स्टॉल है वो भी लगेगा, SCR साहब को इन राइटिंग डायरेक्शंस दिया हुआ है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे कल से ही या आज शाम से ही यहाँ पे वो रखेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट 2 डेज तो अवेयरनेस का है, बाकी के जो 3 दिन है वो फैसिलिटेशन के लिए है, तो लास्ट के 3 डेज में SCR साहब का होगा या अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एफिडेविट का या किसी वकील का या किसी का ज़रूरत पड़ेगा हम या लीगल वालों से भी कंसल्ट करके वो फैसिलिटेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड श्योरली करवाएंगे, कोई भी होगा लेकिन सिंगल रूफ में ही ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है किसी भी। सर, जिस तरह से रोज़गार मेला ITI करगिल में किया जा रहा है और यहाँ पे खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ को और ITI पास आउट्स को गवर्नमेंट के स्कीम्स के हवाले से ऑन स्पॉट फैसिलिटी पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है, LSDC करगिल की तरफ से इस मेले को सक्सेस बनाने के लिए किस तरह की कोशिश है और ख़ासकर ITI पास आउट और अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि ये 5 दिन का मेला जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल सबों ने मिलकर जो है इस 5 रोज़े का इनका यहाँ पे किया हुआ है, 5/15 से जो है 19 तक। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो डिप्लोमा उठा के जो है घूम रहे हैं, डिग्री उठा के जो है घूम रहे हैं, देखिए ना, मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट जो है हर एक को जॉब नहीं दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठेंगे डिग्री उठा के डिप्लोमा उठा के, तो उन डिग्री को ज़ाया ना हो, उनका डिप्लोमा जो है वो ज़ाया ना हो, इसी स्कीम के तहत जो है आज ये मेला जो है सेल्फ एम्प्लॉयड मेला जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का मकसद डायरेक्टली ये है कि इन तक फ़ायदा पहुँचाएँ जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ITI से हों या बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से हों, उनको लोन प्रोवाइड करना और सस्ते दम पे जितना हो सके लो इंटरेस्ट पे, और उनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, जितना मतलब हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं लोन का सही तरीके से, अगर सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो शायद
हमारे जो नौजवान यूथ हैं कुछ हद तक जो है बल्कि बहुत हद तक जो है हमारा जो बेरोज़गार का मसाइल है वो बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। इसके लिए जो है उन सपोर्ट सेंक्शन करने के लिए जो है यहाँ पे आपने देखा कि ITI को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट और फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड है। जितना हो सके हमारा कोशिश यही रहेगा कि लोन जो है इस 5 दिनों में जो है ज़्यादातर लोगों को जो है यहीं पे सेंक्शन हो ताकि हमारा जो लास्ट कंक्लूडिंग डे पे जो है हमारा फिर उस वक्त शायद हमारा CC साहब भी पहुंचेंगे और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब यहाँ पे होगा तो उस दिन जो है पूरा सेंक्शन लेटर जो है उनके हाथ में थमाया जाएगा। यही फ़ायदा है क्योंकि हमें घर घर मतलब दर दर ठोकरें खाना पड़ता है लोगों को कि फॉर्मेलिटीज़ की वजह से। अब यहाँ पर आके जो है यहाँ पर बच्चे जो है ख़ुद यहाँ पे आके जो है इनसे फ़ायदा उठा सकता है और क्या करने की ज़रूरत है यहाँ से उनको पूरा पता चलेगा, फॉर्मेलिटीज़ क्या है यहाँ से उनको पूरा अवेयरनेस दी जाएगी इस 2 दिन में और 3 दिन जो है लोन देने का काम करेगा और इनका फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरा करके जो है जितना हो सके लास्ट पे जो है पूरा सेंक्शन इनका लोन जो है यहाँ पर देने की कोशिश।